आज हमारा दो पार्लियामेंट एमपी का जो कैंडिडेट्स और 60 असेंबली सीट्स का कैंडिडेट्स का बैठक हुआ और इलेक्शन कैंपेन का दृष्टि से हम लोग ने क्या क्या करना चाहिए रूल्स के मुताबिक और एक स्टैंडर्ड इलेक्शन कैसे हो उसको लेकर के मीटिंग हुआ। मैं आपको एक दो बिंदु बताना चाहता हूँ। हम लोगों का सबसे पहले तो ये निर्णय हुआ कि इलेक्शन रूल्स और रेगुलेशन को कोई वायलेट ना करें। बीजेपी का जितना भी कैंडिडेट्स हैं वो एज़ पर इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन के मुताबिक शांति से अपना नॉमिनेशन करके इलेक्शन इस बार का हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे। दूसरा, हमारा जो कैंपेन का स्ट्रेटजी कि भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा क्या रहेगा और कैसे हम लोग पब्लिक को अपील करेंगे, इसको लेकर के हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को रखा है। और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश भर में जो एक वेव चल रहा है उसको अरुणाचल में कैसे लोगों तक पहुंचाना, और पेमा खांडू जी के नेतृत्व में फिर से दोबारा बीजेपी का सरकार अरुणाचल में बनना चाहिए, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग ने तैयारी की है। तो 20 तारीख को हम लोग का जब नोटिफिकेशन का ये जारी होगा, गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद नॉमिनेशन फाइलिंग शुरू होगा। तो उसके लिए सब कैंडिडेट्स का डेट्स तय करना, फिर इलेक्शन का मीटिंग कहाँ करेंगे, रैली कैसे करेंगे, उसका हम लोग ने फाइनलाइज किया है। आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस जिस को बीजेपी टिकट नहीं मिला, जो बीजेपी टिकट अप्लाई किया है, उनको अपील किया जा रहा है कि वो इलेक्शन ना लड़े पार्टी का खिलाफ में, और पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट को साथ देने के लिए पार्टी ने अपील किया है, क्योंकि पार्टी का टिकट तो एक आदमी तय नहीं करता है, वो पार्टी तय करता है, लेकिन हमारे लिए सब बराबर है। जो टिकट मिला है बीजेपी का वो भी अपना है, जो टिकट नहीं मिला वो भी अपना है। मेरे दृष्टि से सब बराबर है और सरकार बनने के बाद सबको बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। कोई MLA बनता है, कोई पार्टी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कोई अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन सबका जिम्मेदारी होगा। एज अ किरण रिजिजू, मेरे लिए जो बीजेपी में नहीं है वो भी अपना है, क्योंकि मैं एक भारत सरकार का मंत्री होने के नाते और अरुणाचल से सांसद होने के नाते सारा जनता मेरा अपना है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ भेदभाव ना सोचा है ना किया है, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक चुनाव लड़ने का आज निर्णय हुआ और बीजेपी रूल के मुताबिक शांति से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। ये सारे डिटेल को आज चर्चा हुई है। सर हमें खबर मिल रही है कि जो बीजेपी ने लास्ट टाइम जो रिसेंटली टिकट डिक्लेयर किया है उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से वापस चेंज हो रहा है, जिसको कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, टिकट दिया है, क्या ये सच है? नहीं, अभी इस तरह का चर्चा आज के मीटिंग में नहीं हुई है। कई चीज़ें होता है वो इस तरह का सामूहिक मीटिंग में चर्चा नहीं होती है। जो भी पार्टी निर्णय लेगा वो फाइनल होता है, पार्टी हाईकमान जैसे निर्देश देंगे सबको मानना होता है। पार्टी बीजेपी एक फैमिली है, कांग्रेस जो है एक फैमिली कांग्रेस पार्टी को चलाता है और बीजेपी पूरा पार्टी एक फैमिली है, ये हम लोग सब जानते हैं। इसलिए बीजेपी में कुछ भी फैसला होगा वो पार्टी के हमारे जो शेष नेतृत्व है, सीनियर लीडरशिप है, वो तय करते हैं। अभी जो आपने पूछा ऐसा कुछ निर्णय नहीं हुआ अभी तक, सर ऐसा कुछ खबर नहीं, नहीं अभी चर्चा इसका यहाँ नहीं हुआ, आज का मीटिंग में नहीं हुई। पर सर कुछ ऐसा लाइकली है? नहीं, वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि ऐसा चर्चा यहाँ अभी का पार्टी मीटिंग में नहीं हुई। खबर मिला है कि 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई विधायक वापस चेंज होने वाले है। गलत खबर है आपके पास? गलत खबर है तो आपको कितना प्रतिशत आपको लगता है कि जो कमिंग इलेक्शन में बीजेपी पूरे मार्जिन से जीतेंगे? 2 लोकसभा में हम बहुत बड़े बहुमत से जीत करके और हमारे सांसदों को दिल्ली भेजेंगे। विधानसभा के अंदर 60 सीट पे हमारा जीतने का पूरा तैयारी है, 1-2 सीट मिस हो सकता है पर बाकी 55 प्लस मैं आपको कहूँगा। आज ऐसा था कि जितना हमारे 60 जो कैंडिडेट हैं जो
उन लोगों को यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया था, तो वहाँ में अपना दो एमपी भी था। तो हम लोगों का ये कहना है कि एक अगर 60 का 60 जो एमएलए अभी हमारे जो कंट्रेस करने जा रहा है, उन लोग सिर्फ अपना लिए ही नहीं बल्कि दोनों एमपी के लिए भी काम करें और उनको खुद भी जीतना है और उनको भी जिता के लेके आना है, क्योंकि हमें सेंटर में अपना एमपी भेजना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग का ज़्यादा स्ट्रेस रहा है कि उनको दोनों एमपी को जिस तरह से भी हो यहाँ से खुद भी जीतना है एमएलए लोग और अपना दोनों एमपी को जिता के लेके जाना है। इसका विषय में ही आज का पूरा मीटिंग जो है उसका ऊपर ही हम लोग को फोकस था। सर अभी आने वाला दिनों में बीजेपी से क्या एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेगा? जैसे कि आफ्टर टुडेज मीटिंग मैनिफेस्टो तो हम लोगों का बना ही रहा है। अभी एक्टिविटी तो ये है कि जितना अपना कार्यकर्ता है वर्कर्स पार्टी वर्कर्स है वो लोग अपना अपना जगह में अपना काम कर रहे हैं, साथ साथ में अपने कैंडिडेट का खुद अपना जो अपना वर्कर है वो भी अपना काम कर रहा है, और जितना अपना कैंडिडेट है यहाँ पे जो सभी लोग 60 का 60 सभी लोग था वो अपना जगह वापस जा करके फिर अपना टिकट जो है 3-4 दिन का अंदर में उन लोगों को दे दिया जाएगा, फिर जा करके अपना नॉमिनेशन वगैरह फाइल करके फिर जो नॉर्मल प्रोसेस है इलेक्शन का तो चलना ही है वो चलेगा। और बस सर अभी चुनाव को ज़्यादा समय नहीं है चुनाव आने में, हाँ जी अप्रैल 19 को है, आने ही वाला है, हाँ जी तो इसको लेके अभी प्रिपरेशन में लेके आप लोग किस तरह से जोरों शोरों से आप लोग कोशिश कर रहे हैं? अभी अपना रूलिंग गवर्नमेंट है, सेंटर में भी है, ईटानगर अरुणाचल में भी है, तो प्रिपरेशन तो फुल रूम में हमारा तो आप खुद देख रहे हैं कि हम जिस तरह से पार्टी ऑफिस का एक्टिविटी हो या अपना कार्यकर्ता का एक्टिविटी हो या कैंडिडेट का अपना एक्टिविटी हो वो पूरा फुल स्विंग में है। अभी पूरा हम लोग तैयार हैं आने वाला इलेक्शन हम लोग का लड़ने के लिए, हम लोग पूरा तैयार है और सरकार हम लोग पक्का बनाएंगे। सर हम आपसे ये भी एक रिएक्शन भी लेना चाहेंगे क्योंकि अभी अरुणाचल में देखा जाएगा तो जितना जिन जिनको टिकट नहीं मिला बीजेपी टिकट वो सब अभी अपोजिशन पार्टीज में ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ से लड़ने वाले हैं, उनका ये प्लान है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? इसको लेके हम यही कहेंगे पार्टी डिसिप्लिन है तो हम लोग का अपील रहेगा कि उन लोगों के ऐसा ना करें। बड़ा पार्टी है, 177 एप्लीकेंट था उसमें 60 सीट है, 60 को ही मिलेगा, तो जिसको नहीं मिला है वो पार्टी में काम करे। हम लोगों का सभी का तरफ से यही अपील किया है कि वो पार्टी में काम करे और आगे पार्टी को किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है उस दिशा में जाके करे। वो सर हमें ये भी सुनने को मिला था जब 3 तो सिटिंग एमएलए मंत्री उनका ज्वाइन करने में तो अभी हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा और अपील रहेगा कि ऐसा ना करें क्योंकि वो बीजेपी पार्टी का ही परिवार था तो पार्टी परिवार में ही रहे, एमएलए बनना ही कोई वो नहीं है। हम भी जिस तरह से मैं एक पार्टी कार्यकर्ता बन के ही आया हूँ आज तक, तो पार्टी कार्यकर्ता बनना भी एक बहुत बड़ा बात है, बड़ा परिवार है, इधर उधर हो जाता है कभी, तो इसलिए कार्यकर्ता बन के काम करें। अब अपना खुद फिलिक्स साहब को आप दीजिए, पाऊँ फिलिक्स साहब को, उन्होंने खुद बोला कि मैं पार्टी के लिए काम करूँगा, तो ऐसा बड़ा दिल रख करके काम करना चाहिए।